नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। सिवनी कलेक्टर राहुल हरिदास फटिंग सिवनी ने जनता से अपील करते हुए शुक्रिया अदा किया। सिवनी की आवाम का जिन्होंने सहयोग किया था, कोरोना कर्फ्यू में जिला प्रशासन का अनलॉक की प्रक्रिया के बाद कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन अपनी दिनचर्या में लाने का आग्रह किया। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, अपना अपने परिवार का अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन कराएं। आपकी सुविधा ही आपकी सुरक्षा है। वासियों को मेरे तरफ से आपको नमस्कार। आज रात से कोरोना कर्फ्यू की अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तक कोरोना कर्फ्यू में आप सभी ने जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी टला नहीं है। हमारे जिले में पॉजिटिविटी रेट लगभग 2% के आसपास है और अनलॉक के बाद अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये संख्या और बढ़ सकती है और फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो इसलिए आवश्यक ये है कि हम अपने दिनचर्या में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। सभी जिले के नागरिकगण, व्यापारी बंधु, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन इसके बारे में स्वयं पहल करें एवं अनलॉक की शर्तों का पालन करते हुए व्यवस्था बनाने में आवश्यक सहयोग करें। जो हमने पिछले एक साल में देखा है उससे स्पष्ट है कि हम सभी लोग मिलकर ही कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे ध्यान में हमेशा ये होना चाहिए कि कोविड का खतरा अभी भी टला नहीं है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमें स्वयं भी पालन करना चाहिए, खुद के परिवार के लिए भी पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में अपील करनी चाहिए। अनलॉक में जो भी ऐसे गांव, कस्बे, शहर जहां चार से शहर के वार्ड जहां चार से अधिक केसेस आएंगे एवं पॉजिटिविटी ज्यादा होगी वो रेड जोन में कहलाएंगे एवं वहां जो अनलॉक में जो शिथिलताएं दी गई थी वो स्वयं समाप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें जो है सभी को सदैव सजग एवं सतर्क रहना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। कोरोना संक्रमण के दरमियान ये भी इम्पोर्टेंट पहलू सामने आया है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम सभी स्वयं भी खुद को वैक्सीनेट कराए, साथ में खुद के परिवार वालों को भी वैक्सीनेट कराए। अनलॉक में जो शिथिलताएं मिली है वे सभी दुकानदार, विक्रेता खुद स्वयं का भी वैक्सीनेशन कराए, साथ में उनके अधीनस्थ जो स्टाफ होगा उसका भी वैक्सीनेशन जो है अवश्य रूप से कराए। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मीडिया के साथियों द्वारा भी जो कोविड कर्फ्यू के दरमियान जो है काफी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, वैक्सीनेशन हो या कोविड से संबंधित अन्य जानकारियां हो उसके बारे में नागरिकों को जागरूक करने में एकदम महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भविष्य में भी निरंतर जो है जागरूकता के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मैं अंतिम में जिला प्रशासन की ओर से आपको अपील करता हूं कि सभी लोग मास्क अवश्य लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, खुद का भी वैक्सीनेशन कराएंगे, खुद के परिवार का भी करेंगे और साथ में भीड़ भाड़ वाली स्थानों में जाने से बचेंगे। जहां तक होम डिलीवरी हो सकती है तो हम ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी कराएंगे, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। जय हिंद, जय भारत।